हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टिप्स गुरु। दोस्तों, आज की वीडियो में आप सभी स्टूडेंट्स के लिए 5 न्यू नोटिफिकेशंस। दोस्तों, आप में से जो भी स्टूडेंट्स दिसंबर 2021 टर्म एंड एग्जामिनेशंस के लिए अपना एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, आप में से ज़्यादातर ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि अपना एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करने के टाइम पर बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। सो दोस्तों, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। इससे पहले आपके जो लेटेस्ट 5 न्यू नोटिफिकेशंस हैं, आप इनको ध्यानपूर्वक देख लीजिए। सबसे पहले तो आप में से जो भी स्टूडेंट्स इग्नू में न्यू एडमिशन्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, बेसिकली ये ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने जून 2021 टर्म एंड एग्जामिनेशंस के लिए अपीयर किया था। अगर आपके रिजल्ट्स कंप्लीट हो गए हैं, आपकी मार्कशीट और आपका प्रोविजनल सर्टिफिकेट आपको मिल गया है, तो आप अभी 30 नवम्बर तक न्यू एडमिशन्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट जो नोटिफिकेशन है, अगर कोई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके रिजल्ट अभी तक पेंडिंग में है, तो लेटेस्ट एक नई अपडेट की गई है 23 नवंबर को, सो आप अपने रिजल्ट भी चेक कर सकते हैं। और जिन भी स्टूडेंट्स ने रीवैल्यूएशन के लिए अप्लाई किया है, आपके रीवैल्यूएशन रिजल्ट की भी एक लेटेस्ट अपडेट की गई है 23 नवंबर को, सो आप अपना रिजल्ट चेक कर लीजिए। इसके बाद में नेक्स्ट नोटिफिकेशन आता है फिर आपके एग्जामिनेशन फॉर्म से रिलेटेड। आप में से ज़्यादातर ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको ऑलरेडी इग्नू की तरफ से पहले ही प्रमोट किया गया था, और काफ़ी ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिनको इस बार प्रमोट किया गया है, लेकिन फिर भी आप अपने उन्हीं सब्जेक्ट्स के लिए अपना एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप कर रहे हैं। मुझे ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है कि आप इतनी बड़ी गलती क्यों कर रहे हैं। क्या आपके पास में इतना भी वक्त नहीं है कि आप अपने 24 आवर्स में से 10-15 मिनट का टाइम निकाल के और किसी के भी वीडियो देख लीजिए जिसमें आपको आपके एग्जामिनेशन फॉर्म के बारे में कम्प्लीट जानकारी मिल पाए? क्योंकि जिन सब्जेक्ट्स में आपको ऑलरेडी प्रमोट कर दिया गया, उनके लिए आपको एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अभी उन सभी सब्जेक्ट्स के लिए अपना एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करते हैं, तो आपकी होल टिकट जारी कर दी जाएगी और आपको अपने एग्जामिनेशन के लिए अपीयर करना पड़ेगा। सो ये डिसीज़न आप पे डिपेंड करता है कि आप एग्जाम्स के लिए अपीयर करना चाहते हैं या फिर प्रमोट होना चाहते हैं। अभी मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि कौन कौन से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको इग्नू की तरफ से प्रमोट किया गया है। सो जिन भी स्टूडेंट्स ने जुलाई 2020 सेशन में इन सभी प्रोग्राम्स में अपना न्यू एडमिशन करवाया है, तो आपको अभी जून 2021 टर्म एंड एग्जामिनेशंस के टाइम पे अपने फर्स्ट ईयर टर्म एंड एग्जाम्स के लिए अपीयर करना चाहिए था, लेकिन आपके एग्जामिनेशंस कंडक्ट नहीं किए गए और आपको अभी प्रमोट कर दिया गया। आपके सेकंड ईयर के एग्जाम्स नेक्स्ट ईयर जून के महीने में कंडक्ट किए जाएंगे। मतलब आप सभी को फर्स्ट ईयर में प्रमोट कर दिया गया, आपको एग्जामिनेशंस देने की कोई भी ज़रूरत नहीं होगी। इसके अलावा जिन स्टूडेंट्स को जून 2020 टर्म एंड एग्जामिनेशंस के टाइम पे प्रमोट किया गया था, आपको भी अभी जिन पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स में प्रमोट किया गया था उनका एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, आपके एग्जाम फॉर्म में वो सभी सब्जेक्ट्स कोड आपको शो करेगा, लेकिन आपको उन्हें सेलेक्ट नहीं करना है, उनके लिए एग्जामिनेशन फीस पेमेंट नहीं करनी है। सो इसके बाद में जो नेक्स्ट नोटिफिकेशन है वो है आपके असाइनमेंट से रिलेटेड। आपके असाइनमेंट सबमिशन के लिए 30 नवंबर की लास्ट डेट दी गई है। और दोस्तों, इग्नू में हर पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए अपना असाइनमेंट जमा करवाना मैंडेटरी है, आपको असाइनमेंट जमा करवाना ही होगा, अदरवाइज़ आपकी डिग्री कंप्लीट नहीं हो पाएगी। सो अगर अभी तक आप अपने असाइनमेंट जमा नहीं करवा पाए, तो जल्दी से जल्दी उनको जमा करवा दीजिए। हो सकता है कि 30 नवंबर के बाद में आपके असाइनमेंट सबमिशन की लास्ट डेट को एक बार एक्सटेंड किया जाए 15 दिसंबर तक, फिर भी आप कोशिश कीजिए कि जल्दी से जल्दी इन्हें जमा करवा दें, सो दैट आपके मार्क्स जल्दी से जल्दी आपके ग्रेड कार्ड में अपडेट हो पाए। नेक्स्ट जो नोटिफिकेशन है वो है फिर जोधपुर रीजनल सेंटर के स्टूडेंट्स के लिए। जोधपुर रीजनल सेंटर के जो भी स्टूडेंट्स बीएड प्रोग्राम वाले हैं, आप सभी स्टूडेंट्स के लिए इग्नू की तरफ से एक नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है आपके इंटर्नशिप प्रोग्राम के लिए। जो भी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स होंगे उनके लिए 4 वीक्स मतलब 1 मंथ, और जो भी सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स होंगे आपके लिए 4 मंथ्स मतलब 16 वीक्स का इंटर्नशिप के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया, और आप सभी स्टूडेंट्स का नाम भी यहाँ पे इस लिस्ट में अटैच कर दिया गया। सो आप सभी स्टूडेंट्स इसको ज़रूर चेक कर लीजिएगा। सो दोस्तों, आज की वीडियो में मेरी तरफ से ये थे आप सभी स्टूडेंट्स के लिए 5 नए नोटिफिकेशंस। आशा करता हूँ आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। दोस्तों, वीडियो को लाइक कर देना, लाइक करने के साथ साथ मैक्सिमम शेयर करने की कोशिश करना। अगर आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब करके पास में नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। थैंक यू फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग टिप्स गुरु।